अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। सब ठीक ठाक खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद हम व्लॉग बना रहे हैं। आज अभी फ़िलहाल मैं, बासित भाई और आदिल भाई हैं, जिनको आप सब लोग जानते हैं। तो आज हम काफ़ी अर्से के बाद व्लॉग बना रहे हैं, और क्योंकि टाइम जो है हमारा आजकल बहुत बिजी था, और अचानक से हमारा प्लान बना है कि हम लोग आज लेट नाइट बाहर निकलें। और तकरीबन ऑलमोस्ट एक वीक हो चुका है कि सियालकोट के अंदर डोमिनोज जो है वो ओपन हुआ था, तो लेकिन अभी तक हमने इसको ट्राई नहीं किया था। तो हमने प्लान किया कि हम आज जो है इसको ट्राई करेंगे और आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे कि इसका जो टेस्ट है वो किस तरह का है और उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है। क्योंकि जिस तरह के इसके मेन्यू पर मैंशनड है कि डोमिनोज द वर्ल्ड नंबर वन पिज्ज़ा ब्रांड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम आज चेक करेंगे कि क्या वाकई इसका टेस्ट उस तरह का है या नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पापा जॉन्स के तो फैन हैं ही, उसके हम पिज्ज़ास खाते हैं। प्राइस रेंज जो है वो पापा जॉन्स के ऑलमोस्ट बराबर ही है या थोड़ी सी ज़्यादा है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन चेक करते हैं कि इनकी क्या क्वालिटी है और हमें ये क्या प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जो है वो हम लोग ऑर्डर दे चुके हैं, और बात ये है कि आज जो मेरा गला ना वो थोड़ा सा अपसेट है, और जो मेरी आवाज़ है वो एक बैलेंस में नहीं निकल रही। तो अब देखते हैं कि आदिल भाई कैमरा संभालते हैं या किधर गए, या फिर ये वाले भाई बासित भाई। तो अभी ज़रा पिज़्ज़ा आ जाए, ऑर्डर हम दे चुके हैं। एक इनका पिज़्ज़ा है टेक्स मैक्स के नाम से, और एक रैंच था समथिंग लेजेंड रैंच के नाम से पिज़्ज़ा है, वो हमने ऑर्डर किया है। और ये दोनों पिज़्ज़ाज आ जाएँ तो इनमें से एक हमने खाना है और एक हमने घर ले कर जाना है, बल्कि इन्होंने घर ले कर जाना है। और हाँ, टेक अवे पे फ़िलहाल इनका जो है ना 50% वो ऑफ चल रहा है। तो अब यहाँ तक ही है मेरी कैमरा की ड्यूटी, क्योंकि अब आवाज़ मेरी ज़्यादा कुछ अनबैलेंस है। तो अब बासित भाई जो है ना ये अब कैमरा संभालेंगे। तो पिज़्ज़ा जो है वो हमने रिसीव कर लिया है, और बासित भाई अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे कैमरा वाली, तो वो मुझे करना पड़ना है। और इस वक्त अगर आप इस जगह को पहचानते हैं तो मुझे लग रहा है कॉपीराइट आएगा, क्योंकि गाना लगा हो। खैर, अभी हम लोग जो सी मॉल है वेलफेयर शॉप की बैक साइड, वहाँ पे आके बैठे हैं और पिज़्ज़ा हम साथ ले आए, क्योंकि सिर्फ टेक अवे पे 50% ऑफ था। तो हमने सोचा कि हम क्योंकि ट्राई कर रहे हैं तो पूरे पैसे क्यों ज़ाया करें, लाइक इन केस अगर, मतलब अभी मैंने, मैं बोल रहा हूँ अभी, और एज पर रूटीन दिस गाय इज लाइक ही हैज स्टार्टेड ईटिंग। मैंने अभी तक आपको कुछ दिखाया भी नहीं और बताया भी नहीं है। ये है जी पिज़्ज़ा, और ये है पिज़्ज़ा ईटर। शक्ल वाइज तो अच्छा लग रहा है। बासित भाई आप ट्राई करें, फिर मैं ट्राई करूँगा, और जल्दी करिएगा क्योंकि बैटरी मेरी जो ना वो लो हो रही है। बासित भाई जल्दी करिए काइंडली, क्या ट्राई करना, बताना, रिव्यू देना अपना। ये अभी बासित भाई तो लग रहा है काफ़ी चीज़ी है ये जी। बस भाई टेस्टी पिज़्ज़ा है यार, टेस्टी है। पापा जॉन्स की तरह का है या उसके बराबर का है या क्या चक्कर है? पापा जॉन्स है वो सबसे ऊपर है, उसके बराबरी का नहीं है ये, उसके बराबर। आप क्या कहते हैं आदिल भाई, पापा जॉन्स के डोमिनोज सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ जो मिल जाए खाने के लिए सब कुछ। तो अब ये है कि इससे पहले कि मेरा फ़ोन ऑफ हो जाए, मैं फटाफट मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। बस तू कह रहा स्पाइसी है, स्पाइसी तो नहीं है। तो अभी तक मैंने जितना भी खाया है, लाइक तीन बाइट्स लिए हैं अभी तक, और अभी तक बस ठीक है। लाइक वो वाली बात नहीं, कोई स्पेशल टेस्ट या कोई इस तरह का चक्कर, लेकिन पूरा खा के फिर जो है आपको बताते हैं। तो जी पिज़्ज़ा हम खा चुके हैं, एंड इट्स टाइम फॉर द ऑनेस्ट रिव्यूज़। आदिल भाई ज़रा बताएं आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा और आपने क्या फ़ील किया? पिज़्ज़ा अच्छा था, टेस्ट डो थोड़ी जो है ना वो हैवी थी इनकी तरफ,
नेक्स्ट टाइम थिन क्रस्ट खाएंगे इन पर। छुट्टे सब कैसा लगा? लाइक डिफरेंट था, ठीक था, पर उस तरह नहीं था कि जो एक फैला हुआ था ना डोमिनोज, हाइप जो फैली हुई है कि डोमिनोज बड़ा, यानी पापा जॉन्स से आप अगर कंपैरिजन करें, नहीं फिलहाल अभी पापा जॉन्स जो है वो बेहतर है इससे, पर ये है कि ये इसका कुछ हो चेक करेंगे, मे बी बेटर हो उससे। ठीक, बस भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा रोशनी में आके कहना, फिर आप इतने देर में जो है वो सबसे पहले नंबर पे हैं। बसंत भाई मुझे बहुत मजा आया है पीते। तो बसंत भाई अपने घर को जा रहे हैं और उनका जो रिव्यू था वो आपने पहले देख लिया होगा। वाइल ईटिंग उन्होंने बताया था कि टेस्ट ठीक है लेकिन उस तरह का नहीं है। मेरा जो रिव्यू है वो यही है कि इसका ये था कि हाँ हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग वाज फ्रेश, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उसमें फ्रेश यूज़ किए गए थे, उनका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। डो थोड़ी सी मोटी थी लेकिन थी सॉफ्ट, लाइक उसमें ये नहीं था कि बहुत उतना सख्त सख्त सी, वो वाली बात नहीं थी। जो उसमें इंग्रेडिएंट्स थे उनका टेस्ट आ रहा था लेकिन एक स्पेशल फ्लेवर जिस तरह पापा जॉन्स के फ्लेवर हैं वो दे आर अ बिट डिफरेंट, वो वाली चीज़ फिलहाल डोमिनोज में बिल्कुल भी नहीं थी। और आई होप कि क्योंकि जब पापा जॉन्स आया था स्टार्टिंग में तब उसके उसको भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था कि इनका टेस्ट सही नहीं है, ये थोड़े से फीके हैं और ऐसा कुछ, बट राइट नाउ दे हैव द बेस्ट पिज्ज़ाज व्हाट आई थिंक या व्हाट अदर बाय थिंक्स। तो डोमिनोज भी शायद इम्प्रूव करे और वो जो एक हमारा जो टेस्ट है उसके मुताबिक वो पहुँच सके, क्योंकि अभी पापा जॉन्स का जो पिज़्ज़ा है वो उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आप वो जितने मर्जी खा लें, आपका वो जो एक होता है ना आपकी भूख जो होती है, लाइक पेट भी आप कह सकते हैं कि वो उस तरह का भरता नहीं है, लाइक आपका दिल हैवी नहीं होता, आपकी तबीयत आवाज़ार नहीं होती। ये खा के थोड़ा सा मुझे वो चीज़ फील हुई है। अगर आप दूसरे जगह से पिज़्ज़ाज़ खाते हैं तो उनके पिज़्ज़ाज़ बहुत हैवी होते हैं और उनको खाने के बाद आपको लगता है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी आवाज़ार हो रही है, लेकिन पापा जॉन्स का जो पिज़्ज़ा है उसकी क्वालिटी ये है कि उससे दिल की जो है आवाज़ारी नहीं होती। क्यों कुछ कहना चाहेंगे आप आदिल भाई? एक जो इनको होता है ना मेनोपॉज, ये बहुत लंबा होता है और ये बड़ा एक डिस्टर्बिंग फेज होता है मेरे लिए कि मैं अब इनकी बात का वेट करूं कि ये क्या बोलने लगे, और एंड पे होता भी वैसे बाय द वे कुछ नहीं है, हेयर स्टिल वेटिंग। Hope for the best. बस ये कहना था आपने। खैर तो पिज़्ज़ा का रिव्यू हमने आपको दे दिया है, तो पिज़्ज़ा की शक्ल भी दिखा दी है आपको। आज का हमारा छोटा सा नन्हा मुन्हा सा व्लॉग यहाँ तक ही था, क्योंकि आज हमने इतना हल्ला गुल्ला नहीं किया, क्योंकि बाद में बोलना था मैंने, तो आज हमने इतना हल्ला गुल्ला या शुगर मिला आपको नहीं दिखाया, क्योंकि मेरी जो तबीयत है थोड़ी सी अपसेट है, आवाज़ है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड है, आज ऊपर नीचे हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, गला भी ख़राब नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अनटिल कि ये ठीक नहीं होती तब तक हम एक नई वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुझे शक था कि शायद कैमरे को देख के मेरी आवाज़ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझसे प्रॉपरली बोला भी नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि हम आज का जो व्लॉग है उसको करेंगे यहाँ पे एंड, और फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।